ये तो भाई खो चुका है, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में। कह रहा है भाई मैं सन्यासी सन्यास ले ले रहा हूँ, यहीं पढ़ जा रहा हूँ, बैठ जा रहा हूँ भाई, साधु संत बन जा रहा हूँ भाई। दिस इज पीस लिटरली यार। अरे भाई इस जगह से तो कसम से ऐसा, मतलब क्या ही बोलूं भाई, मैं शब्द नहीं आ रहे, लिटरली मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं आ रहे कि मैं क्या, मतलब कैसे बयां करूं इस चीज को, इस फीलिंग को। और ये देखिए इनकी दीवानगी, इतनी दूर इन्होंने गाड़ी खड़ी कर रखी है, अब पता नहीं वहाँ गड्ढों में क्यों खड़ी कर रखी है, इनका दिमाग सड़ चुका है पूरी तरीके से। ये खुशी बहुत है इनको क्योंकि हम अपने डेस्टिनेशन पे जब पहुंच चुके हैं। Hey guys, welcome back to another vlog, और होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अगर आप लोगों ने गाइस लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा मैं कहाँ पर हूँ। मैं हूँ बीड़ती वाटरफॉल पे, और ये है मुंशियारी से 30 किलोमीटर दूर, और हम लोग जा रहे हैं मुंशियारी अपने ट्रैकिंग वगैरह करने, वहाँ का मतलब वहाँ की चीज़ें एक्सप्लोर करने। और अभी फिलहाल दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, हम सुबह के निकले हुए थे। बाकी इस चीज़ को जो हमने आज एक्सप्लोर करा, ये हमें नहीं पता था यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ है। तो रास्ते से हम निकल के जा रहे थे तो हमने देखा कि हाँ यार एक वाटरफॉल है तो चलते हैं। तो इस वाले वाटरफॉल का अगर आपको व्लॉग देखना हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, होप करता हूँ आपको वो व्लॉग भी पसंद आएगा। बाकी अभी नीचे चल के यार जल्दी से बाइक उठाते हैं, सीधे निकलते हैं मुंशियारी, बिकॉज मतलब तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। और आज ये प्लान कर रखा है कि अगर हम टाइम से पहुँच जाते हैं, तबीयत ठीक रही, तो हम पहले ट्रैक पर आज निकल जाएंगे। तो जल्दी से चलो चलते हैं मुंशियारी। तो गाइस अभी फ़िलहाल हम नीचे पहुँचे थे और मेरे को फिर से बुखार स्टार्ट हो चुका है, तो अभी भाई यहाँ से दवाई खा के और कपड़े मतलब टी शर्ट चेंज करके फिर निकलते हैं मुंशियारी। और भैया से पूछा, भैया ने बताया खलियार टॉप जाएंगे, जैसे हम प्लान करके आए थे कल जाना है, तो उसका भाई ट्रैक 7 किलोमीटर का, मतलब 7 किलोमीटर चढ़ाई, 7 किलोमीटर उतर के आना है, 14 किलोमीटर टोटल। तो आज टाइम से पहुँच के देखते हैं, कहीं अगर नहीं पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे ये नहीं पता है, तो टाइम से पहुँच के रेस्ट करना है प्रॉपर भाई, प्रॉपर रेस्ट करके कल की तैयारी करनी, क्योंकि कल का दिन बहुत ही सही होने वाला है। अगला व्लॉग शायद जो आएगा बहुत ही प्रॉपर होने वाला है भाई, बहुत ही मज़े आने वाले, तो याद से देखना भाई, एक दिन बाद आएगा ये ब्लॉग, तो बिल्कुल देखना, बिल्कुल मत भूलना है। यहाँ के रास्ते भाई सच में बहुत ख़राब हो रहे हैं ऊपर के, अभी तक के सारे रास्ते बहुत ही सही थे, लेकिन अब भाई ट्रेन बहुत ज़्यादा रोड ख़राब हो रही है। ऊपर से है लद्दाख वाली रूट की तरह देखते हैं भैया जी। और जैसे धीरे धीरे ऊपर जाते जा रहे हैं ना भाई, ठंड बढ़ते जा रही है गाइस। बस अब यहाँ से 10 किलोमीटर ही मुंशियारी बच रहा है, और रोडे तो भाई बहुत ही साफ है, पतली है, भीड़ भी नहीं मिली हमें, मतलब ट्रैफिक तो बिल्कुल है ही नहीं यार, मतलब आधा आधा घंटा हो जा रहा है कोई गाड़ी देखने को मिल रही होगी, मज़ा अलग ही आ रहा है। और जैसे हम ऊपर को आ चुके हैं, अब यहाँ पे भाई हमें ठंडा, मतलब यहाँ पे ठंडा स्टार्ट हो चुका है,
होना, और वो देखो भाई बाइक का कोने में खड़ी करी है मैंने, बिल्कुल अंदर को शेड के उधर को। बाकी ये तो भाई खो चुका है, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में कह रहा है भाई मैं संन्यास ले रहा हूँ, यहीं पढ़ जा रहा हूँ, बैठ जा रहा हूँ भाई, साधु संत बन जा रहा हूँ भाई। सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। बाकी व्यू देखो यार, इतना ज्यादा ऊपर आ चुके हैं ना भाई हम पहाड़ों पे, इतना ज्यादा क्या ही बताऊं भाई। उम्मीद नहीं थी मतलब कि मतलब इतना ज्यादा सुंदर होगा यार ये सब। और अभी तो मुनस्यारी हम पहुंचे नहीं है, मुनस्यारी का तो हाल अलग ही है भाई, वहाँ का तो सीन ही बहुत अलग है यार। बस क्या ही बोलूं, मतलब अंदर से इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ना भाई कि मतलब मैं बता अपने शब्दों से नहीं बता सकता यार कि कभी कहाँ सोची हुई चीज़ें थी कि यार हम भी ट्रैवल वगैरह करेंगे, स्टार्ट ट्रैवल वगैरह करके मतलब चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, वो चीज़ आज हो रही है। मतलब बाय गॉड ग्रेस सब चीज़ें अच्छे से चल रही है, सारे प्रॉपरली अभी तक हम यहाँ आए हैं, और होप करते हैं प्रॉपरली अच्छे से हम वापस घर भी जाएं। और बस यार तुम अपना प्यार बरकरार रखा करो, प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करा करो। बाकी यहाँ से अब चलते हैं मुनस्यारी की ओर, तो आगे मुनस्यारी में मिलते हैं आप लोगों से। और इसे सुनो यार, बताए क्या कह रहा है, ये सुनो ज़रा। हे प्रभु, हे भगवान, हे हरि राम, हे श्री कृष्ण, हे प्रमाधम, हे जगन्नाथम, ये क्या है, ये क्या है, ये देखिए ये। और हम आपको गहराई दिखाना चाहिए, देखो गए तो भाई कहानी खत्म, आईफोन ना गिर जाए, ये नहीं तो श्री कृष्ण जगन्नाथम हो जाएगा। और ये देखिए, और वहां पे कुछ बताइए यार, कुछ नहीं भाई, यहाँ बैठ के मतलब आगे जाने का भी मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है कि यहीं बैठे रहे यार फिलहाल भाई। दिस इज पीस लिटरली यार। अरे भाई इस जगह से तो कसम से ऐसा मतलब क्या ही बोलूं भाई, मैं शब्द नहीं आ रहे, लिटरली मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं आ रहे कि मैं क्या मतलब कैसे बयां करूं इस चीज को, इस फीलिंग को। बहुत ज्यादा मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा वो है कि मेरा लिटरली मेरा ड्रीम है बचपन से कि मेरे को ट्रैवल करना हो, मैं स्टार्ट करिए ये चीजें। और ये देखिए इनकी दीवानगी, कितनी दूर इन्होंने गाड़ी खड़ी कर रखी है, अब पता नहीं वहां गड्ढों में क्यों खड़ी कर रखी है, इनका दिमाग सड़ चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि खुशी बहुत है इनको क्योंकि हम अपने डेस्टिनेशन पे जब पहुंच चुके हैं। बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर रह गया है, हम पहुँच जाएंगे। देखिए गाड़ी स्टार्ट करेंगे, और ये बहुत ही मतलब ये देखिए कचरे में डाल चुके हैं गाड़ी। सो फाइनली गाइस हम मुनस्यारी पहुंच चुके हैं, इतना मतलब ट्रैवल करने के बाद 450 किलोमीटर। और अभी हम देखो यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं यार, क्यों हम वेट कर रहे हैं इमरान भाई का, इमरान भाई को फ़ोन कर रहे हैं, खाना खाने गए हैं वो भी, उनका वेट कर रहे हैं क्योंकि बाइक में बाइक की चेन बताया था मैंने आपको कि बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, मतलब बिल्कुल टच होके चल रही है, तो बाइक नहीं चला पा रहा हूँ प्रॉपरली मैं। तो पहले मैंने कहा कि यही फिक्स कर लेते हैं, और ऊपर रूम की बात हो चुकी है, अभी पता नहीं मैं रूम किस जगह पे मेरे को मिल रहा है, बाकी ऊपर चल के रूम भी देखते हैं। और अभी फिलहाल टाइम 3 बज चुका है, हमको आराम आराम से आ रहे थे भाई जल्दी। हमें जल्दी नहीं थी भाई आने की ना, हम आराम आराम से चिल करते हुए आ रहे थे भाई, सब जगह रुक के बतियाते हुए फोटोज खींच के रिकॉर्ड करके काफ़ी चीज़ें जो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और मेरे पास काफ़ी सारा डाटा हो जाता है यार शेयर करने के लिए, मैं आप शेयर भी नहीं कर पाता, मतलब इतना कुछ हो जाता है ना, सोचना पड़ता है क्या दिखाऊं क्या ना दिखाऊं, बहुत कुछ होता है यार मेरे पास रिकॉर्ड करके, पड़ा रहता है सामान ऐसी, वेस्ट भी चला जाता है कितना कुछ। बाकी बस अभी वेट करते हैं इमरान भाई का, जल्दी से इसको ठीक कराते हैं, फिर रूम पे चलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद देखते क्या सीन है। बाकी यार हर्ष और मेरा कल का प्लान बन रहा है, पहले तो खलिया टॉप जाना है हमें, खलिया टॉप ना, खलिया टॉप कल हमें खलिया टॉप जाना है, और 7 किलोमीटर रहेगा, इस वहाँ पे ट्रैकिंग है। उसके बाद एक प्लान हमारा मतलब मन में आ रहा है कि ये पता नहीं अभी कि कौन सा, मिलम ग्लेशियर है यहाँ पे अप्रॉक्स 60 किलोमीटर दूर है, तो सोच रहे हम यहाँ आए हैं तो मिलम ग्लेशियर भी होके चले जाते हैं। और वहाँ भाई टेम्परेचर हो रहा है -3 टेम्परेचर हो रहा है यार, यहाँ पे भी आएगी 13 या 12 हो रहा है टेम्परेचर, तो शायद होप करते हैं मतलब कि कल टाइम से अगर हम आ गए तो शायद हम ग्लेशियर भी जाए भाई, वहाँ का भी व्लॉग बना के लाएंगे भाई, मज़ा ही आने वाला है। ठीक है व्लॉग्स प्रॉपरली देखते रहना और लाइक कर देना। बाकी चलो इमरान भाई का वेट करते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस पता है इतनी सारी मेहनत पता किस चीज़ के लिए थी, इस व्यू पॉइंट के लिए थी यार, दिख रहा है भाई बर्फ, ये देखो यार। बाकी कल खलिया टॉप पे हम जा रहे हैं, सुबह जल्दी निकलेंगे 6:30 बजे। और हमने जो ग्लेशियर वाली बात सोची थी जाने के लिए, तो यहाँ के लोकल से पता करा है, तो उन लोगों ने कहा है वहाँ जाने के लिए रास्ते सब बंद हैं और काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ेगा, काफ़ी जगह बर्फ़ नहीं गिरी है, तो जाके फ़ायदा नहीं है। इसलिए कल यही प्लान है कि पहले तो हम सिर्फ खलिया टॉप जाएंगे, उसके बाद हम देखते हैं वहाँ से वापस कितने बजे तक हम नीचे आते हैं,
फिर आगे का हम प्लान करेंगे। बाकी इस व्लॉग को हम यही एंड करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब मत भूलना। टिल देन मिलते हैं अगले व्लॉग में।